सबों को जय शोम जोर से बोलेंगे जय येश फिर से हम प्रभु के वाचनों को सुनने जा रहे हैं नबी का ग्रंथ दस का सत्रह वचन में लिखा है इसराइल का प्रकाश आग और परम पावन प्रभु ज्वाला बनेगा वह एक ही दिन में उसकी कटीला झाड़ जंजाट जलाकर फस्म कर देगा मेरे पीछे बोलेंगे इसराइल का प्रकाश इसराइल का प्रकाश आग और आग और परम पावन प्रभु परम पावन प्रभु ज्वाला बनेगा ज्वाला बनेगा वह एक ही दिन में वह एक ही दिन में उसका उसका काटीला झाड़ जंझाड़ काटीला झमझा कर भस्म कर, कर देगा जलाकर भस्म कर देगा हाल लुया तो ईश्वर के बारे में यहाँ पे वचन में लिखा हुआ है वो जो झाड़ जंझाड़ है उसको साफ करने वाला हमें से अनेक लोग खेती करने वाले हैं खेती करते समय आपको मालूम है पूरा जगह को साफ करता है खेत में जो भी जंगली पौधा है उसको सब हम निकाल देते हैं और ज़मीन को अच्छा से तैयार करता है इसके बाद हम खेती करने के लिए जाएगा या खेती करने के बाद भी यदि कुछ ऐसा जंगली पौधा निकल रहे हो हम उसी को भी निकाल देते हैं साफ कर देता है अरुणाचल में जाएगा आपको मालूम है पहाड़ पहाड़ पर धान का खेती करते हैं वहां में पूरा पहाड़ को ही काट के गिरा देते है। मतलब पूरा पूरा पेड़ पौधा काट के गिराते हैं और जला देता है पूरा जला के साफ कर देता है इसके बाद खेती करता है हालेलुया लोया हम मनुष्य कुछ पाने के लिए अली जी हमारे मेहनत में फल पाने के लिए जो चीजें बाधा बनकर रहते हैं उसे हम निकाल देते हैं उसके बारे में आपको जानकारी है उसके बारे में ज़्यादा कुछ आपको सिखाने का जरूरत नहीं है आप शायद अनपढ़ हो सकते हैं उतना जानकारी आपके पास नहीं हो सकता है खेती बाड़ी के बारे में फिर भी आपको मालूम है ये चीज़ें यदि खेत में जहां हम खेती किया है ये निकल आएगा ये बाकी चीज़ों को दबा देगा कोई काम में फ़ायदा नहीं मिलेगा मेरा मेहनत बेकार हो जाएगा जिसको मैंने लगाया है वो मर जाएगा खत्म हो जाएगा आपको मालूम है इसलिए जंगली पौधा निकलने नहीं देता है हाला हाल जंगली पन को भी मनुष्य के जिंदगी से निकालना पड़ेगा हम मनुष्यों के जीवन में भी कई बुराइयां हैं या हमारे जीवन को नष्ट करने वाला कई चीज हमारे जीवन में अधिकार लेता है उसको निकालने का जरूरत है कैंसर जब एक व्यक्ति का शरीर में आ जाता है कैंसर जिस सेल में कैंसर हो गया है उसको हम कीमोथेरापी तुरा, के द्वारा जला देता है उसको निकाल देता है जला के खत्म कर देता है इसलिए ईश्वर का भी एक कार्य है जलाना एक ही दिन से कुछ ना कुछ सब नष्ट कर सकता है ईश्वर बदल सकता है इसराइल का प्रभु ईश्वर और परम बावन प्रभु ज्वाला बनेगा वह एक ही दिन में उसका कट्टीला झाड़ जन जाकर जलाकर फस्म कर दे एक ही दिन से हमारे जीवन को बदल सकता है और हमारे जीवन को बदलने के लिए सहायता देने वाले एक ईश्वर है हमारे ईश्वर बोलिए हल्ले लुयाम लुया इसलिए उस ईश्वर की सहायता मांगते हुए हमारे जीवन के जो ऐसे स्वभाव है जिसे हम निकालने के लिए चाहते हैं शायद खुद से निकालने में मुश्किल पड़ रहा है नया बन जाने में हम खुद से असमर्थ बनकर रह रहे हैं उन सभी कार्यों को और उन आदतों को बुराई के स्वभाव को सब ईश्वर के सानिध्य में समर्पित करते हुए ईश्वर के आशीष मांगते हुए उससे बाहर आने के लिए मेहनत करना का समय है साधना का समय है प्रार्थना का समय इसलिए भाई बहनों ईश्वर के वचन आपको जब सुनाया जाएगा ईश्वर चाहता है इसी तरह का वचन भी सुनाए हर समय आपको मीठा मीठा लगने वाला वचन नहीं बल्कि हमारे बुराई को भी प्रकट करने वाला वचन बोलना पड़ेगा क्योंकि हम बाइबल में इस प्रकार देखता है तिमत्ती के नाम संत बोलुस का पद्र में सुसमाचार सुनाने के बारे में बताया जा रहा है तिमत्ती का नाम संत पौलुष का दूसरा पत्र अध्याय चार का दो से लेकर लिखा हुआ है तिमत्ती के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र सेकंड तिमत्ती चैप्टर फोर वर्ड्स टू ऑन वर्ड्स अध्याय चार का पो से लेकर वहां इस प्रकार लिखा हुआ है सुसमाचार सुनाओ समय असमय लोगों से आग्रह करते रहो बड़े धैर्य से तथा शिक्षा देने के उद्देश्य से लोगों को समझाओ डांटो और ढारस बांधाओ क्योंकि वह समय आ रहा है जब लोग हितगरी शिक्षा नहीं सुनेंगे बल्कि मनमाना आचरण करेंगे और अपने पास चाटुकार उपदेशों की भीड़ जमा करेंगे वे सच्चाई के प्रति अपने कान बंद करेंगे और कल्पित खदाओं के पीछे दौड़ेंगे हालेलुया हालेलुया तो यहाँ पे वचन की घोषणा के बारे में प्रभु का वचन हमें सिखाते हैं सुसमाचार सुनाओ समय समय लोगों से आग्रह करते रहो बड़े दायरे से दादा शिक्षा देने के उद्देश्य से लोगों को समझाओ डांटो और ढारस बांधो यहाँ पे बता दे रहे हैं शिक्षा देने के उद्देश्य से वचन सुनाना है ज्ञान देने के उद्देश्य से वचन सुनाना है और इसके बाद कहते हैं शिक्षा देने के उद्देश्य से लोगों को समझाओ किसी ना किसी चीज हमें समझ में नहीं आ रहे हैं आज हमारे समझ से परे हैं उन चीज़ों को भी समझाना इसलिए शिक्षा देने वाला व्यक्ति का उत्तरदायित्व है जो सुन रहे हैं उनको समझा देना और कहते हैं डांट और ढारस बांधाओ डांटना भी पड़ता है वचन के द्वारा कभी कभी डांटना भी पड़ता है Hallelujah. 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 सुनते समय हमको मालूम है नेचुरली हमको अच्छा नहीं लगेगा क्यों डांटना है मुस्कुराते बोलने से क्या हमको समझ में नहीं आएगा लेकिन हमको हमारे दैनिक जीवन में देखता है कोई भी पापा और मम्मी हो अपने बच्चों को सही रास्ते पर ले आने के लिए डांटते हैं जब गलत रास्ते पर चलते हैं शायद एक दो बार बेटा को या बेटी को हम शांति से बोलेंगे लेकिन कभी ऐसा भी दिखता है बदलने का तरीका दिखाते नहीं हैं हालायाम हा ले लोया हम अपने घर में जब जानवरों को पालते हैं उसको प्रशिक्षण देने के लिए हम डांटते हैं प्यार भी देता है लेकिन डांटते भी हैं हाल लोया इसलिए वचन के द्वारा कभी कभी डांटना भी पड़ता है एक बुराई को हमारी जिंदगी से निकालने के लिए कभी डांटना पड़ता है क्योंकि वचन में लिखा हुआ है वह समय आ रहा है लोग हितगरी शिक्षा नहीं सुनेंगे बल्कि मनमाना आचरण करेंगे और अपने पास छाठगकार उपदेशों की भीड़ जमा करेंगे ऐसा समय है जहाँ पे लोग सच्चाई के प्रति कान बंद करता है सुनना नहीं चाहता है सही बातें ईश्वर हमें जो बताता है उसको समझना नहीं चाहता है अपने उस रास्ते पर चलते रहना चलते रहना चाहता है हलुय हल यीशु की स्तुति हो यीशु की स्तुति हो यीशु की महिमा हो यीशु की महिमा हो इसलिए इस वचन के द्वारा प्रभु ईश्वर हमारे जीवन पर अधिकार लेने के लिए चाहता है वचन के द्वारा बदलना चाहता है क्योंकि पुराने विधान में रमिया नबी का ग्रंथ अध्याय तेईस का क्या उनतीस में मेरी वाणी अग्नि जैसी है वह उस हथौड़े की तरह है जो चट्टान को टुकड़े टुकड़े कर देता है प्रभु कहते मेरी वाणी अग्नि जैसी है अग्नि आपको मालूम में जला देता है इसलिए प्रभु का वचन है वो वचन जो है अग्नि आग जैसा है हमारे जीवन के ऊपर अधिकार लेने वाला एक आग और क्या करते हैं मेरी वाणी अग्नि जैसी है वह उस हथौड़े की तरह है जो चट्टान को टुकड़े टुकडे करता है चट्टान को टुकड़ा करता है हथौड़े से जो मारता है इतना मजबूत पत्थर भी टूट जाता है छोटा छोटा टुकड़ा बन जाता है इसलिए ईश्वर का वचन हथौड़े की तरह है अग्नि की तरह है वो आपके हृदय के अंदर जब आएगा ये वचन के द्वारा जब बोलता है वचन आपके हृदय के ऊपर अधिकार ले लेता है और वचन के द्वारा आपके जिंदगी पर जिसे जलाने के लिए ईश्वर चाहते है उसे प्रभु ईश्वर जला देगा और जिसको प्रभु ईश्वर टूट कर निकालने के लिए चाहता है टूटा देने के लिए चाहता आता है उसको प्रभु ईश्वर टूटा के निकाल देगा हाला हो यीशु की महिमा हो की महिमा हल्ले लुया हल्ले लुया हल्ले लुया हल्ले लुया और प्रभु ईश्वर का वचन है ये वचन हमको बोलना ही है क्योंकि बोलने वाले एक पहरेदार है पहरेदार संभालता है रात के समय पर पहरा देता है सुरक्षा दे देता है इसलिए जिसे प्रभु ईश्वर वचन सुनाने के लिए दिया है वो पहरेदार भी है यजकील नबी का ग्रंथ में लिखा हुआ है यजकील नबी का ग्रंथ अध्याय तीन का संख्या सत्रह से लेकर इस प्रकार हम पढ़ते हैं प्रभु कहते हैं मानो पुत्र मैंने तुम्हें इसराइल का घराने की पहरेदार नियुक्त किया है तुम मेरे मुँह का वचन सुनकर उन्हें मेरी ओर से छेदावनी दोगे हलो लोया छेदावनी देते पहरेदार का एक उत्तरदायित्व छेदावनी देना मतलब कुछ विपत्ति आ रहे हो वो चेतावनी देता है बोल देता है और जिसे प्रभु ईश्वर चुना है वो भी एक पहरेदार की तरह है देने वाला व्यक्ति समझाने वाला व्यक्ति ईश्वर का कहना है मानव पुत्र मैंने तुम्हें इसराइल के घराने का पहरेदार नियुक्त किया है तुम मेरे मुंह का वचन सुनकर उन्हें मेरी ओर से छेदावनी दोगे यदि मैं दुष्ट से ये कहूँगा तुम अवश्य मर जाओगे और तुम उसे चेतावनी नहीं दोगे और से नहीं समझा होगे कि वह पाप आचरण छोड़ दे और जीवित रहे तो दुष्ट अपने पाप के कारण मर जाएगा किन्तु तो मैं तुमको उसकी मृत्यु का उत्तरदायी बनाऊंगा हाल लोया इसलिए जैसे प्रभु ईश्वर चुनके रखा हुआ है उनका भी एक उत्तरदायित्व है कि मनुष्यों की जिंदगी पर प्रभु ईश्वर लोगों को दिया है उनकी जिंदगी पर कुछ बुराइयों को दिख रहा है उसको चेतावनी देना ही है यदि उस मनुष्य पापाचरण छोड़ते नहीं है मतलब उसमें जा गिर के मर जाएगा तो तुम चेतावनी ना देने के कारण तो उसका मृत्यु का कारण तुम बन जाएगा पहरेदार से प्रभु ईश्वर बता दे रहा है इसलिए मैं फिर से आपको पटके सुनाऊंगा प्रभु कहते हैं यदि मैं दुष्ट से ये कहूँगा तुम अवश्य मर जाओगे और तुम उसे चेतावनी नहीं दोगे और उसे नहीं समझाओगे कि वह अपने पाप के कारण मर जाएगा किंतु मैं तुमको उसकी मृत्यु का उत्तरदायी बनाऊंगा हालेलुयाम हालेलुयाम यीशु की स्तुति हो यीशु की स्तुति हो यीशु की महिमा हो यीशु की महिमा हालेलुयाम 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 इसलिए भाइयों बहनों आज इस वचन की घोषणा के द्वारा हमारे जीवन के कुछ बुराइयों के बारे में प्रकट करके उसे छोड़ने का एक आदेश प्रभु ईश्वर दे रहा है और ऐसे वचनों को प्रभु प्रभेश्वर हमारे सामने रख रहे हैं हम कान लगा कर सुनेंगे हमारे जीवन की ओर फिर से और एक बार देखने के लिए जा रहे हैं हमारे समाज की ओर हम फिर से देखने के लिए जा रहे हैं हमारे चारों ओर क्या चल रहे हैं हमारे पूर्वजों की ओर से क्या हमारी जिंदगी पर आ चुका है और इस समय मनुष्य क्या चीज़ के पीछे भागता है उसके बारे में थोड़ा कुछ वचन में आपको सुनाने के लिए चाहता हूँ हल्ले लुयामुयाम बाइबल हलेल� में इस प्रकार लिखा हुआ है अपनी वासनाओं के दास मत बनो और अपनी लालसाओं पर संयन रखो प्रवक्ता ग्रंथ अठारह का तीस में लिखा हुआ है अपनी वासनाओं के दास मत बनो और अपनी लाल सोम पर संयर रखो मेरे पीछे बोली अपनी वासनाओं के अपने वासनाओं के दास मत बनो दास मत बनो और अपनी और अपनी लाल सोम पर सो पर संयर रखो सही रखो हाथ को ऊपर उठाएंगे और फिर से मेरे पीछे बोलेंगे अपनी वासनाओं के अपने वासनाओं के दास मत बनो दास मत बनो और अपनी और अपने लालसाओं पर लाल पर संयन रखो संयम रखो हले लुया लुया हाथों को नीचे करेंगे देखो ईश्वर का वचन है अपनी वासनाओं के क्या ना बनो दास मत बनो गुलाम नहीं बनना दास का मतलब दास को और कोई संभाल रहे हैं दास का और कोई संचालन कर रहे हैं मालिक और कोई है मालिक जैसे बोलता है वैसा करना पड़ता है इसलिए वासनाओं को हम अपनी जिंदगी का मालिक मत बनाओ उनके दास बनकर तुम मत रहो क्योंकि वो वासना तुमको बुराई की ओर लेके जाएगा हल लोइमुया हल्ले लोइया लोया ये वासनाओं में से एक है नशा हमारे बीच में दिखाई देता है ये नशा के चलते अनेक लोग आपने जिंदगी को बर्बाद किया है नशा के चलते अनेक परिवार में दुख है अनेक लोग आंसू बहा के रहने का एक कारण हमारे ये पीने का वासना है शरीर की इच्छा नशा लेके आनंद मनाने की इच्छा ये नशा मनुष्य के जिंदगी को बर्बाद कर डालता है और उसके अलावा हम अपने आत्मा को भी नष्ट कर देता है क्योंकि बाइबल में इस प्रकार लिखा हुआ है जिस व्यक्ति नशा का गुलाम बनकर रहता है उसके द्वारा शायद वह अपने आत्मा को भी नष्ट कर स्वर्ग राज्य का अधिकारी नहीं बनेंगे बोल के वचन में लिखा है कुरिंदियों के नाम संत ब का पहला पत्र अध्याय छः का पाँच संख्या दस में लिखा हुआ है हमारे जीवन के कुछ बुरे स्वभाव बुरे आदत के बारे में वहां पर सब लिखा हुआ है उसमें एक शब्द वो भी नाशा के बारे में भी बताया जाता है मैं उसको आपके सामने पट्ट के सुनाने के लिए चाहता हूँ ये के दस में लिखा है चोर लोभी शराबी निंदक और धोखेबाज ईश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे वहाँ और भी कुछ शब्द सब लिखा हुआ है लेकिन मुझे यहाँ पे शराब के बारे में आपको बताना है इसलिए ये शराब के बारे में भी यहाँ पे लिखा हुआ है शराब का गुलाम बनकर जो रहता है नशा का गुलाम बनकर जिस व्यक्ति रहता है उस व्यक्ति ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे मैं फिर से उसको बढ़ के सुनाऊंगा चोर लोभी शराबी निंदक और धोखेबाज ईश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होगा हा ललो हम तो चाहते हैं ना ईश्वर का राज्य जाने के लिए स्वर्ग जाने के लिए तो चाहता है तो स्वर्ग जाने के लिए चाहते हो हमें छोड़ने वाले कई पापों से एक शराब भी है ये केवल एक जगह में नहीं है इसको फिर से संदे हैं फिर से वो इसको इस बात को और थोड़ा गहराई से हमको और थोड़ा समझाने के लिए फिर से वो बार बार लिखते जा रहे हैं हम गलातियों के नाम का पत्र में देखते हैं गलातियों के न पांच का पत्र संख्या इक्कीस में लिखा हुआ है द्वेष मत वालापन रंग और इस प्रकार की और बातें मैं आप लोगों से कहता हूं जैसा कि मैंने पहले भी कहा जो इस प्रकार का आचरण करते हैं वे ईश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे जो मत वाला बनकर रहते हैं वे ईश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे हाल लुया बाइबल हमें सिखाती है जिस व्यक्ति नशा का गुलाम बनता है वो फिर उसी में ही जीवन जीता है उसी का मतलब बाकी सारे मतलब को भूल देता है इसलिए तो वचन है दो मास्टरों का सेवा नहीं कर सकता है दो मास्टरों का सेवा नहीं होगा वचन में लिखा हुआ है मत्ती का सुसमाचार अध्याय छः का पास छब्बीस में लिखा हुआ है कोई भी दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता वह या तो एक से बाहर और दूसरे से प्रेम करेगा या एक का आदर और दूसरे का तिरस्कार करेगा तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते येसु तो यहाँ पे धन के बारे में बोलते समय विशेष रूप से हमको यही बताया है लेकिन यह धन का तरीके से ही हमें यह भी दे सकता है नशा भी क्योंकि कोई भी दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता दोनों की एक ही तरह सेवा नहीं कर सकता है। जिस मनुष्य नशा का शिकार बन जाता है, वो बाकी सब कुछ भूल जाता है उनके जिंदगी का एक ही मतलब बनकर रहता है बस मुझे पीना है उसके लिए वहां कोई भी तरीका ढूंढ के निकाल देगा Hallelujah! Hallelujah! में या तो एक से से बाहर और दूसरे से प्रेम करेगा या एक का तिरस्कार करेगा। का आदर या दूसरे का तिरस्कार नशा का आदर करेगा ईश्वर का तिरस्कार करेगा नशा का आदर करेगा पापा मम्मी का तिरस्कार करेगा नशा का आदर करेगा पत्नी को साइड में रखेंगे नशा का आदर सम्मान करेगा बच्चों का पालन पोषण नहीं करेंगे तिरस्कार करेगा एक का आदर करेगा दूसरे का तिरस्कार उसके अंदर से प्यार नष्ट हो जाता है नशा एक व्यक्ति जब लेने के लिए शुरू करता है उसका प्यार क्या चीज में होगा नशा में उसका पूरा प्यार नशा में फंस जाता है और किसी चीज का प्यार फिर नहीं है कुछ सालों पहले यहां पे एक डॉक्टर आया था वो डॉक्टर सच में दूसरा एक पेशेंट के साथ यहाँ पे आया पेशेंट तो साधना में भाग लेने के लिए चाहता था इसलिए उसको ले आते समय डॉक्टर को भी लेके आया क्योंकि डॉक पेशेंट को बीच बीच में इंजेक्शन देना और दवाई देना ये सब जरूर था इसलिए डॉक्टर को भी यहाँ पे लेके आए डॉक्टर भी आपके जैसे यहाँ पे गुर्जी में बैठकर कर वचन सुन रहे थे ये डॉक्टर का एक बुरे आदत था नशा लेने के आदत ये आदत को उसने नहीं छोड़ा बाकी डॉक्टर लोग उनको बताया था भाई साहब तुम पिएगा ज्यादा दिन जीते नहीं रहेगा उसको भी खुद मालूम है वो खुद डॉक्टर है फिर भी वो मनुष्य पीना नहीं छोड़ा आज इस दुनिया में नहीं है एक साल तक इसके बाद यहाँ पे आने के बाद मुझे लगता है एक साल तक तो जीवित रहा मैक्सिम इसके बाद पी के खत्म हो गया लेकिन जिस पेशेंट यहाँ पे आए थे ईश्वर का वाचन सुनने के लिए उसके साथ उसको चलने नहीं सकते थे यहाँ से जाने से पहले वो चलने के लिए शुरू की वो सब देखने के बावजूद ही डॉक्टर बदला नहीं वो दुनिया में नहीं आज कुछ दिनों पहले मैं एक परिवार में गया था वहाँ पे प्रार्थना के लिए बुलाया कि एक मम्मी है अकेला मम्मी अपना बेटा के साथ रहती है मैं जब वहाँ पे गया मम्मी बोल रही थी मुझे फादर जी मेरा बेटा इतना नशा लेता है वो पढ़े लिखे लड़का है हम तो इसका भविष्य के बारे में अच्छा सोचता था अच्छा पढ़ाई भी करता था लेकिन फादर थोड़ा जब बड़ा हो गया दोस्तों के साथ घूमने शुरू किया इनके दोस्ती इनको ऐसे ही हालत में पहुंचा दिया है आज ये बेकार बन गया कोई काम का नहीं है उनके शरीर में भी अभी बल नहीं है चलता है मुश्किल से कामता है चलते समय हर प्रकार के बीमारी उनके शरीर के ऊपर अधिकार ले रहा है क्योंकि शरीर इतना वीक हो गया पीते 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 खत्म कर दिया मेरा कोई आदर सम्मान नहीं है मैं इसके लिए इतना मेहनत की इतना प्रार्थ कष्ट किया है प्रार्थना भी किया है फिर भी इस बेटा मेरा आदर सम्मान नहीं करता है वो घर को दिखाने के बाद मम्मी बोल रही थी फादर जी आपको मालूम है ये घर तो मैं बहुत मुश्किल से बनाई देखो अभी केवल बाहर में दरवाजा है अंदर अंदर का कमरा में आप देखो दरवाजा नहीं है सबको मैं बनवाई थी दरवाजा कहाँ गया मैं मम्मी से पूछा बता रही थी फादर जी जब मैं बीमार हो गई बेटा तो संभालते नहीं हैं इसलिए मेरी बेटी लोगों के घर में मैं चली गई जब वापस आई देख रही हूँ दरवाज़ा नहीं है बेटा दरवाज़ा भी निकाल के बेच के पिया ये मम्मी थोड़ी बूढ़ी सी हो गई है ये मम्मी बोल रही थी फादर जी मेरा तो ज़्यादा कमाई सब नहीं है मेरा बस पाँच छः साड़ी है कभी एक या दो ऐसा कम होते जा रहे हैं मैं सोचा मैं कई बार रख के भूल जाती होंगी क्योंकि मेरा इतना बूढ़ी हो गई है मेमोरी सब कम हो रहे हैं लेकिन बाद में फादर मुझे पता चला मैं भूला तो नहीं है क्या हो रहा है जब मैं घर से निकल जाती हूँ एक दिन देखा कि टेबल में मेरा सारा साड़ी एक के ऊपर एक के ऊपर ऐसा उठा उठा के रखा हुआ है क्या के लिए बैठा उसको बाहर ले जा रहा था उसको भी बेच के पीने के लिए अपनी मम्मी का साड़ी बेच के पीने वाले लोग हैं इसको वचन कहते हैं प्यार नष्ट हो जाता है या तो वह एक का आदर करेगा दूसरे का तिरस्कार जब नशा आपके दिमाग में चढ़ता है फिर आपका आदर केवल नशा में है बाकी और किसी का नहीं है अपनी मम्मी का भी साड़ी निकाल के पीने वाले हैं इसलिए तो वचन कहते हैं अपनी वासनाओं का दास मत बनो क्योंकि सूक्ति ग्रंथ अध्याय बीस का प्रसंख्य एक में लिखा हुआ है अंगूरी उपहास करती और उपद्रव मचाती जो उनके कारण भटकता है वह बुद्धिमान नहीं है मेरे पीछे बोली अंगूरी अंगूरी उपहास, उपहास कर दिन उपहास का दिन और उपद्रव मचाती है और उपद्रव मचाती है जो उनके कारण जो उनके कारण भटकता है भटकता है वह बुद्धिमान नहीं है वो बुद्धिमान नहीं है दाहनाथ को फिर से ऊपर उठाएंगे और जोर से मेरे पीछे बोलिए अंगूरी अंगूरी वो बहास उपहास के दिन और रुप्र मचाती है और उपद्र मचाती है जो उनके कारण और उनके कारण भटकता है भटकता है वह बुद्धिमान नहीं है बुद्धिमान नहीं है हाथों को नीचे कीजिए जो उसके द्वारा भटकता है वह बुद्धिमान है नहीं है उनका दिमाग काम नहीं करता है बुद्धिमान नहीं है वचन में लिखा है जो अंगूरी के कारण नशा के कारण भटकता है वो बुद्धिमान नहीं है हम मनुष्य को बुद्धिजीवी कहता है हालेलिया। हम तो ये बुद्धिजीवी कहते हैं लेकिन वचन का मैं सिखाते हैं जो अंगूरी के शिकार बनते हैं नाशा का शिकार बनकर रहता है वो कभी बुद्धिमान नहीं है क्योंकि ये क्या करते हैं अंगूरी उपहास करती और उपद्रव मचाती है। उपहास करती है ये नशा का एक छोटा सा कहानी ये कहाँ से आए इसी प्रकार का एक कहानी जब मैं पढ़ाई थियोलॉजी का पढ़ाई करता था उस समय ट्राइबल हिस्ट्री जब पढ़ते थे उसमें आदिवासियों का कल्चर के बारे में जब पढ़ के आ रहे थे उसमें एक छोटा सा कहानी है कहाँ से ये नशा आया है वे जो ईश्वर को सिंह बोंगा या धर्मेश सब कहते हैं तो सिंह बोंगा दुनिया को बनाई या ईश्वर दुनिया को बनाया है और पूरा पानी ही रहा और ईश्वर चाह मनुष्य को बनाएंगे मनुष्य को कैसे बनाएंगे मट्टी से बनाएंगे, बनाएंगे। लेकिन पूरा धरती पर पानी है पानी के नीचे मट्टी है मट्टी को निकाल के लेके आना है तो मट्टी को निकाल के ले आने के लिए सबसे पहले कछुआ को भेजा कछुआ आपको मालूम है पानी में रहता है और वह मट्टी के नीचे चला गया और मट्टी उठा के अपने पीठ में रखा और पीठ में रखे तैरते 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 जब ऊपर पहुंच गया मालूम है आपको नेचुरली मट्टी बह जाएगा ऊपर पहुंचते पहुंचते माटी खत्म हो गया तो ये सिंगभंगा को मालूम हो गया इसको भेजने से कोई फायदा नहीं केकड़ा को भेजा केकड़ा भी पानी में रहता है केकड़ा का हाथ में कितना मट्टी रहेगा आपको मालूम है वो भी थोड़ा लेके आया ऐसा लेके 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 आ रहे थे लेकिन ऊपर पहुंचते पहुंचते वो मट्टी भी खत्म हो गया तो इससे भी फायदा नहीं है इसलिए ईश्वर केचुआ को भेजा केचुआ क्या है आपको मालूम है केचुआ मट्टी खाता है इसलिए वो मट्टी खाया और इसी तरह मट्टी को लेके आया मट्टी से प्रभु ईश्वर या सिंह बोंगा पुरुष और स्त्री को बनाए लेकिन सिंह बंगा देख रहा है वे पति पत्नी के रूप में नहीं रह रहा है वे भाई बहन के रूप में जीवन बिताते हैं रात में तो एक ही जगह में सोते हैं लेकिन सोते वक्त तो उन लोग क्या करते हैं उनके बीच में एक लकड़ी रखते हैं ये वो धान कोटने वाला लकड़ी जो है घर का पुराने जमाने में सब ऐसा था मिल सब नहीं रहा इसलिए धान कोटने का लकड़ी है उसको ऐसा बीच में रखा एक जन इस साइड में दूसरा जन इस साइड में सोता था अभी सिंहभंगा को मालूम हो गया ऐसा जीने से ये और संदान सब नहीं होंगे तो मुझे फिर से बनाना पड़ेगा मनुष्य को इसको इसलिए कहानी में बताता है इसको चाह कि मनुष्य को एक साथ लेके आए इसलिए सिंह बोंगा एक तरीका ढूंढ निकाला हड़िया बनाएंगे हड़िया नशा जो है आदिवासियों के बीच में जो राइस से बनाता है वो हड़िया बनाया कौन बनाया सिंह बोंगा बनाया और हडिया बना के पिलाए और उस दिन पुरुष और स्त्री वो लकड़ी रखने में भूल गया और वे पति पत्नी बनकर फिर जीने के लिए शुरू की ये है हड़िया का शुरुआत का कहानी हल्ले हो।, हो तो सिंह बंगा या ईश्वर जब भी इसको बनाया था उसका एक अच्छा योजना के द्वारा बनाया है मनुष्य पुरुष और स्त्री को एक बना ले या एकता में लेके आए जोड़ दे लेकिन आज हम देखते हैं क्या ये पीने के बाद मनुष्य जुड़ जाते हैं नहीं मनुष्य को अलग कर देता है इसलिए एक अनुग्रह का कारण नहीं बल्कि अभिशाप का कारण बनकर रहता है वचन में लिखा हुआ है प्रवक्ता ग्रंथ का उन्नीस एक में लिखा हुआ है पीने वाला मजदूर धनी नहीं बनेगा वह छोटी बातों की उपेक्षा करता है उसका पतन होगा वह वा पीने वाला कभी धनी नहीं बनता है आपको मालूम है उसका पैसा पूरा कहाँ चला जाएगा नशा में चला जाएगा खत्म हो जाएगा क्योंकि हमें से कितने लोगों का जमीन आप खो दिया है आपके पूर्वज लोगों को शायद जमीन रहा बहुत सारे जमीन रहे लेकिन आज नहीं है कहाँ चला गया नशा के पीछे भागा और बेच दिया और कोई ले लिया हालेलुया ले कुछ समय पहले यहाँ में एक पापा था इधर उधर से सब पैसा लेके पिया 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 आखिर में जिनसे पैसा लिया वे बोला तुम्हारा जमीन अभी दे दो नहीं तो जितना पैसा तुम लिया है वापस दो कुछ तीस चालीस हजार रुपया था नहीं है वापस देने के लिए नहीं है इसलिए उन लोग बताया तुम्हारा जमीन उनका पेपर के साथ हम को दो। मतलब खो दिया है पीने के चलते सब खत्म इसलिए वचना हमें सिखाते पीने वाला मजदूर धनी नहीं बनेगा पीने वाला सब खत्म कर देगा कितने लोगों का जमीन इस प्रकार चला गया है कितने लोगों का कमाई पूरा खत्म कर दिया है आज भूखे रह रहा है बच्चों के पास कुछ है ही नहीं पापा के द्वारा मम्मी के द्वारा पी के खत्म हालेलुयाम हालेलुयाम होम और वह है जो छोटी बातों की उपेक्षा करता है उसका पतन होगा छोटी बातों का जब शुरू करता है ये छोटी बात है शायद आपका शुरुआत नशा का शुरुआत आप शायद दोस्तों के साथ मिलकर थोड़ा एक एंटरटेनमेंट के लिए होगा पिकनिक के बाद में होगा शादी के बाद उसका पार्टी में हो सकता है और इसी तरह आप छोटे छोटे थोड़ा 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 करके पीने के लिए शुरू किया और अन्य कई चीज़ें जो है सादा तंबाकू ये सब आपको मालूम है आप जब सोचा क्या बाकी सब सारे लोग ले रहे हैं हम भी थोड़ा सा ले लेंगे ये क्या है थोड़ा समझ में आएगा थोड़ा नशा ले लेंगे ले लेकर आज आप पीने में डॉक्टरेट लिया होगा ये तो जिंदगी का उतना बड़ा बात सब नहीं है थोड़ा सा पीना सब लेकिन जब आप उसका उपेक्षा करते हैं ये छोटी बात है सोचकर लेकिन ये धीरे धीरे आपके शरीर पर जड़ पकड़ रहा है मैं कुछ सालों पहले यहाँ पे था उस समय एक पप्पा यहाँ पे रहते थे एक बूढ़ा पप्पा वो पप्पा आज जीवित नहीं है वो पप्पा इस जमीन का देखभाल करता था और वो पप्पा उस पेड़ को दिखाते हुए मुझे बताया फादर जी ये पेड़ वहाँ पे नहीं था वहाँ पे एक दूसरा पेड़ था एक दूसरा पेड़ उसका वो किनारे कई बार ये पेड़ थोड़ा सा निकलने शुरू किया था पीपल पेड़ आपको मालूम है शुरू करता है थोड़ा सा एक छोटा सा पौधा है धीरे धीरे क्या करता है उनका रस पूरा खींच रहा है खींच रहा है और ये पीते पीते मतलब खाते खाते ये पेड़ मोटा हो जाता है और धीरे धीरे दूसरा को सुखा देखता है हालेलुया 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 हले ये भी नशा का एक बात है शुरुआत में एक छोटा सा ज्यादा कुछ नशा आपको नहीं लगता है लेकिन ये धीरे 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 आपके शरीर पर जड पकड़ रहा है आपको सुखा देता है आपका धन खत्म होते हैं आनंद खत्म होता है आपका शरीर खत्म होते जा रहे हैं आपके परिवार खत्म होते जा रहे हैं आखिर में आपका जिंदगी भी खत्म हल वचन पीने वाला मजदूर कभी धनी नहीं बनेगा जो छोटी बातों की उपेक्षा करता हो उसका पतन होगा और फिर से लिखा है प्रवक्ता उन्नीस का के दो में अंगूरिया और स्त्रियां समझदार लोगों को भटकाती है उनकी आत्मा का सत्यनाश होगा बोलिए मेरे पीछे अंगूरी और स्त्रिया अंगूरी और स्त्रिया समझदार लोगों को समझदार लोगों को भटकाती है भटकाती है उनकी आत्मा का उनकी आत्मा का सत्यनाश होगा सत्यनाश होगा अंगूरी समझदार लोगों को भी भटकाता है पढ़े लिखे लोगों का जिंदगी भी बर्बाद कर देता है ये बुद्धिमान है कहते हैं वे भी जब इसका शिकार बनता है उसका बुद्धि नहीं रह जाता है खत्म कर देता है मैं इसी प्रकार का कई लोगों को भी देखा हूँ आश्रम में प्रार्थना के लिए आए हैं साधना के लिए आए हैं ऑफिसर लोग थे पैसा अच्छा से कमाने वाले लोग थे अच्छा सैलरी में बड़े पोस्ट में काम करने वाले थे बीच बीच में पार्टी चलता रहता है पार्टी बढ़ते गया बढ़ते गए इसका गुलाम बनते गया आखिर में नशा का शिकार बन गया जॉब में भी जाने नहीं सक रहा है कुछ दिन पहले ही कोल इंडिया में काम करने वाले एक पापा का बेटा यहां पे प्रार्थना के लिए आया बेटा बोल रहा था फार जी पापा का जॉब है कोल इंडिया में है अच्छा जॉब है लेकिन आजकल नहीं जा रहे हैं पूरा सुबह से लेकर घर में बैठ के पीता है अभी फादर पंद्रह दिन हो गया ऑफिस में जाके हम जितना बोले नहीं जाता है सुबह से लेकर कहीं ना कहीं से लेके आता है सुबह से लेकर बैठ के पीता है समझदार लोगों का जिंदगी का भी बर्बाद कर देता है हेलो यीशु की स्तुति हो यीशु की, की महिमा हो की महिमा भाई बहना कितने परिवार है इसी तरह नष्ट जो हो गया है वचन में लिखा हुआ है सूक्ति ग्रंथ अध्याय 31 का पास चार और पांच में ना तो राजाओं को अंगूरी शोभा देती है ना शासकों को मदिरा क्योंकि पीने के बाद वे कानून भूल जाते हैं और दलितों के अधिकार छीन लेते हैं क्योंकि पीने के बाद वो कानून तक भूल जाते हैं नियम सब भूल जाते हैं कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो अधिकारी हो सकता है, राजा हो सकता है नेता हो सकता है जब नशा का शिकार में आ जाएगा और फिर उसका गुलाम बनकर जीवन बिताएगा हालायाम हालया हुयाम हालया कुछ समय पहले एक बहन प्रार्थना मांगते हुए आई और वो बता रही थी फादर जी मेरा परिवार तो नारग जैसा है मुझे अपना घर जाने का मन नहीं करती है मैं उसे पूछा क्या हो गया हम तभी ये बेटी एक कहानी बताई उनके मम्मी से पप्पा से जुड़ा हुआ एक कहानी है वो बता रही थी फादर जी मेरी मम्मी पढ़ाई रही है दसवीं तक पढ़ाई की है मम्मी चाहती थी सिस्टर बनने के लिए उसका परिवार में और भी है पांच छह बच्चे और मम्मी बड़ी थी ऐसे समय कहीं से एक रिश्ता आए परिवार वाले सोचे हाँ तो अभी एक रिश्ता आया है तो तुरंत इसको दे देंगे इसलिए जो रिश्ता आया है उसके बारे में ज़्यादा ढूंढा नहीं वो बोल रहा था मेरा पापा मुंबई में कहीं पर कुछ काम करते हैं सब सुना सोचा हाँ अच्छा होगा मुंबई में काम कर रहा है कुछ तो कमा रहे होंगे ज़्यादा कुछ सब जानकारी नहीं लिया उस व्यक्ति के साथ शादी हो गया मतलब तो मेरे पापा के साथ मम्मी का शादी हो गई, शादी हो गई कुछ दिन के अंदर मम्मी को मालूम हो गया ये मुंबई में ज्यादा अच्छा काम सब नहीं करते थे यहां से भाग के वहां जाकर वो छोटा छोटा काम सब कर रहे हैं जो मिलता है उनके दोस्त लोगों के साथ कुछ बुरे दोस्त लोग हैं उनके साथ पीता है काता है घूमता है और तब कोई बताया हाँ एक लड़का है चलो उसके साथ शादी करके दिया अभी ये और कोई काम में नहीं जाता है पीते रहता है यहाँ में ये मम्मी जो है छोटी सी काम करती है मतलब आंगनबाड़ी में खाना बनाने की काम करती है उसमें आपको मालूम है ज़्यादा कुछ तो कमाई नहीं है हले लोया उनके भी बच्चे हो गए हैं ये कुछ सालों ऐसा चलते गए और ये मम्मी बहुत मुश्किल से घर चला रही हैं मम्मी तो एक अच्छा जीवन सोचती थी पढ़ाई तो किया है दसवीं तक कम से कम मुझे एक अच्छा जीवन साथी मिलेंगे मतलब उसका पहले ही इच्छा था सिस्टर बनने का जीवन साथी कम से कम अच्छा होंगे सोचे लेकिन वो भी नहीं मिला इसके अलावा वो पियकट बनकर रह रहा है घर को संभालते नहीं हैं जो यदि कुछ तो कमाता है वो उसको भी पूरा पी के खत्म इसके बाद घर में आकर लड़ाई झगड़ा सोने नहीं देता है मतलब इस बहन का जीवन बहुत मुश्किल से आगे बढ़ रहा है बच्चे को पूरा संभालने का उत्तरदायित्व उनके ऊपर ये बहन सोची मेरा कमाई से इन बच्चों को पढ़ाने नहीं सकेगा इसलिए आपने ही रिश्तेदार किसी ना किसी को जो थोड़ा अच्छा सिचुएशन में है उनसे पूछा क्या मेरे बच्चों को एक दो बच्चों को आपके घर में रखकर उनको सिखा सकता है क्या हाँ एक दो लोग स्वीकार किए और उनके घर में रखें लेकिन कुछ समय के बाद ही इस मम्मी को ये भी पता चला ये बच्चे उनके घर में जो है नौकरानियों की तरह काम करते हैं उस घर का सारा काम झाड़ू पोछा करना बर्तन धोना कपड़ा धोना इसी प्रकार का नौकरानी के तरह वहाँ पे काम करता है इसके बाद सरकारी स्कूल में तो भेज रहा है ये भी ये मम्मी का दिल को दुखा रही है क्योंकि मेरे बच्चे किसी दूसरे के घर में नौकरानियों की तरह काम करता है इसका पीछे का कारण मेरा पति है ये अच्छा होते तो मेरे बच्चों के ये हालत नहीं होते हैं अपने पति के प्रति नफरत उत्पन्न हो गया नफरत उसको कभी देखना का भी मन नहीं करता है क्योंकि वो खुद आकर इसको पत्नी को तंग करता है आखिर में पति धीरे धीरे आना बंद किया आता है रात में कभी चुपके चुपके से आ जाता है पीके बच्चे उनके लिए कुछ तो खाना निकाल कर रखता है मम्मी सोने के बाद घर में अंदर आराम से घुसता है खाना खाता है कहीं पर सो जाता है मम्मी जागने से पहले निकल कर भाग जाता है यदि मम्मी को मालूम हो गया पापा किसी ना किसी बर्तन में खाना खाया हो ये मम्मी वो बेटी बता रही थी बर्तन को भी उठा के फेंकती है अगर ये इस चीज को मेरा घर में नहीं रखना मेरा पति के द्वारा छुआ हुआ कोई भी चीज मेरे एक साथ नहीं रख मतलब इतना नफरत तो हो गई है हल लो हले लो हलेम ये की स्तुति हो अब ये मम्मी अपने बच्चों को संभाल रही है उनका दो लड़के बच्चे हैं मम्मी का ये एक सपना है पदी तो घर को नहीं संभाल रहे हैं मैं मुश्किल से इस बच्चों को पढ़ाऊंगी। ये बच्चे थोड़ा बड़ा हो जाने से मेरे लिए थोड़ा सांत्वना हो जाएगा परिवार को संभालने के लिए मेरा लड़के लोग मदद करेंगे ये मम्मी का एक होप है लेकिन ये बहन ये बेटी मुझे बता रही थी फादर जी मेरा भैया लोग भी हैं जब वे थोड़ा बड़ा हो गए घर का तो हालत तो ऐसा है कौन संभालता है इधर उधर दोस्तों के साथ घूमने शुरू किया और उनके साथ मिलकर नशा में गिर गए दोनों दोनों अभी पी के घर में आ जाते हैं अभी मम्मी का ये सपना भी टूटा है एक तो पदी वो ऐसा ही चला रहा है बच्चों में सपना देखी थी मेरे दोनों बच्चे भी इस हालत में पी के घर में आ जा रहे हैं बच्चे एक दूसरे से लड़ाई और मम्मी से भी लड़ाई ये परिवार का हालत एकदम नरक का जैसा है और तब ये बेटी बता रही थी मम्मी भी सोचने के लिए शुरू की अरे मैं तो क्यों ऐसा मैं तो इतना मेहनत किया कोशिश किया है सोचा सपना देखा लेकिन सब बर्बाद हो गए बाकी सब पी के मौज मस्ती में घूमते हैं मैं क्यों मैं भी पीऊंगी इसलिए बेटी बोलती है भार जी मेरा मम्मी भी जाकर नशा पीने के लिए शुरू की अभी मम्मी का हालत ऐसा है डेली पीती है शाम के समय पर कहीं ना जा जाकर पड़ोसी घर में इधर कहीं पर जाकर पी के आती है और आकर कभी खाना खाती है कभी ना खाती है पूरा बेहोश हो अगर खटिया में आकर गिर जाती है कभी रात में कुछ चिल्लाती है और कभी कट्टिया से नीचे गिरती है मतलब मुझे फादर ये घर तो एक बुरा नरक जैसे लग रहा है वहां पर रहना मुझे अच्छा नहीं है मेरा घर का हालत ही भैया बहना आप एक बार उस परिवार की ओर देख लीजिए आप आपके कई लोगों के परिवार का हालत शायद इससे थोड़ा जुड़ा हुआ हालत हो सकता है घर का किसी ना किसी एक व्यक्ति का नशा के चलते वो पूरा परिवार पूरा जनरेशन को उसका अफेक्ट करता है केवल पीने वाले एक व्यक्ति नहीं है उनसे जुड़े रहने वाले सारे लोगों को उसका अफेक्ट है वे मान लीजिए ये पापा अच्छा होते उनके बच्चों का सिचुएशन अच्छा होने वाला था एक बच्चा भी मतलब अच्छी तरीके से नहीं रह रहा है पढ़ाई अच्छा से नहीं हुआ कुछ कमाई नहीं है लड़कियों को शादी करके देने के लिए कोई नहीं है पापा उस तरफ चले जाता है लड़के लोग दोनों बिनते चले गया कौन संभाल कोई नहीं है जनरेशन के ऊपर जनरेशन को अफेक्ट करता है हल्लाम ये हो लोईयामु के महिमा हो हल्ले लुयाम लुया हल्ले लुया लुईया इसलिए तो वचन हमें सिखा दे बाइबल के द्वारा प्रभु ईश्वर हमें सिखा रहे ये पीने वाला मजदूर कभी धनी बनेगा ना तो राजाओं को अंगूरी शोभा देती है ना शासकों को मदुरा क्योंकि पीने के बाद वे कानून भूल जाते हैं और दलितों के अधिकार छीन लेते हैं अनेक लोगों के अधिकार छीन लेते हैं आप तो बाइबल हमें सिखा दे एफ एस पांच अठारह में लिखा हुआ है एफ एसों के नाम संत तो बोलूस का पत्र दिए पांच का अठारह के द्वारा प्रभु ईश्वर में सिखा रहे अंगूरी पीकर मत्व वाले नहीं बने क्योंकि इससे विषय वासना उत्पन्न होती है बल्कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए मेरे पीछे बोलिए प्रभु ईश्वर का कहना है प्रभु ईश्वर का कहना अंगूरी पीकर अंगूरी पीकर मत वाले नहीं बने मत वाले नहीं बने क्योंकि इससे क्योंकि इससे विषय वासना उत्पन्न होती है उत्पन्न होती है बल्कि बल्कि पवित्र आत्मा से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए हो जाए हे प्रभु ईश्वर प्रभु ईश्वर जितने लोग जितने लोग नशा के गुलाम बनकर नशा के गुलाम बन जीवन बिता रहे हैं जीवन बिता रहे हैं हम उनको हम उनको आपके चरणों पर आपके चरणों पर समर्पित करते हैं समर्पित करते हैं और उनके लिए और उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रार्थना करते हैं हे प्रभु ईश्वर प्रभु ईश्वर उन सभी लोगों को उन सभी लोगों को नशा से से छुटकारा मिल जाए छुटकारा मिल जाए और पवित्र आत्मा ऐसी पवित्र आत्मा से वे भर जाए वे भर जाए हाल लोहिया हल्ले लोहिया लोहिया हल्ले लोहिया हल्ले लोहिया कभी पवित्र आत्मा भी ये हमारे ज़िंदगी से ये बुरे आदत को निकालने में हमें मदद करता है ईश्वर का वाचन जब आप सुनता है ये वाचन के द्वारा प्रभु ईश्वर हमारे ज़िंदगी से ये जो बुराई को कभी दूर कर देता है मैं एक भाई से सुना था वो भाई हमारे आश्रम में एक बार एक कन्वेंशन में भाग लेने के लिए आया तीन दिन का प्रोग्राम था उसमें वो ओरिसा का रहने वाला है उनकी दीदी इस कन्वेंशन में आने के लिए चाहती थी दीदी को ले आने के लिए और कोई नहीं रहे इसलिए अपने भाई से कहा तुम मुझे वहाँ ले कर जाओ मैं इसमें भाग लूँगी तीन दिन का प्रोग्राम है और तुम भी वहाँ पे बैठना तीन दिन के बाद हम वापस लौट आएंगे इसलिए भाई अपनी दीदी को लेके आश्रम में आई और ये साधना किया कन्वेंशन चल रहे थे वो हॉल के पीछे सबसे पीछे कुर्सी में जाके वो बैठा और इसके बाद तीन दिन खत्म हो गया दीदी के साथ मैं भी चला गया मुझे ज़्यादा कुछ सुनते समय ज़्यादा अनुभव सब नहीं हुआ लेकिन ये भाई कहते हैं मैं यहाँ से जाने के बाद फिर कभी पिया नहीं है मतलब मुझे पीने का मन नहीं करता है मैं ऐसा पीते रहने वाला था अब हमारे आश्रम में वो फिर से जब आकर ये गवाही दे रहा था ये एक साल सब पार हो गया था ये भाई कहते हैं मैं जिस दिन यहाँ से चला गया उसके बाद मैं कभी कभी नहीं छुआ है इसको मैं नहीं पिया है मतलब उस दिन एक अनुग्रह प्रभु ईश्वर दिया है वो नाशे की आदत उस भाई के जिंदगी से प्रभु ईश्वर निकाल दिया अब कहते हैं मेरे घर में आनंद है शांति है मैं इस तरह एक दिन न, किसी गांव में प्रोग्राम चलाने के लिए गया और वहां में एक घर में मतलब गांव में पहुंचते थे एक मम्मी आई और बोल रही थी फादर जी बहुत धन्यवाद है पूछा क्या हो गया क्या के लिए धन्यवाद दे रही है ये मम्मी बता रही थी फादर जी हम एक बार आपके आश्रम में आकर मेरा पति को लेके आए हैं और पति का नाशा का आदत छूट गया ये मम्मी बोल रही थी मेरा पति इतना पीता था इतना पीता था घर में लड़ाई झगड़ा वो सब करते रहा करते रहा आशांति रहा मैं उसको कई बार बोला तुम जाओ साधना में जाओ लेकिन वो जाता नहीं था तुमको चाहिए तो तुम जाओ मैं नहीं जाऊँगा और मैं एक बार ऐसा साधना का समय आया मैं उनको बोला फिर से बोलती रही बोलती रही चलिए हम जाएंगे तो पति बोला यदि तुम मुझे दो बोतल खरीद के देगा तो मैं आऊँगा ये बहन सोचा अरे कम से कम बोल रहे हैं इतना दिन तो नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे बोल रहे थे अभी बोल रहे दो बोटिल मिलने से जाएगा इसलिए बहन कहती है मैं इधर उधर से थोड़ा पैसा जमा किया और इसके बाद दो बोटिल खरीद के पति को दिया खरीद के दिया था उसी दिन ही एक बोतल खत्म कर दिया और इसके बाद अगला दिन सुबह घर से निकलने का था सुबह वो आधा बोतल पी लिया और इसके बाद थोड़ा जो था बाइक में रखा मेरे साथ आया कैसे भी हो और आकर इधर उधर से थोड़ा 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 करके वो पीते रहा पीते रहा पीते रहा इधर जब आश्रम में आया पूरा फिट होके यहाँ पे आए हैं यहाँ जब साधना में आ गया है इसके बाद बाहर जाने के लिए मौका नहीं मिल रहा है इसलिए तो पिया नहीं है दो तीन दिन ऐसा रहा और वचन सुना ये मम्मी कहती है फादर यहाँ से जाने के बाद मेरा पति पिया नहीं इसलिए मेरा घर में आज बहुत अच्छा लगता है वो पी पी का पतला हो गया था अभी मोटा हो गया है अभी उसको देखने में भी, भी अच्छा दिखता है घर में भी अच्छा है शांति है घर में इसलिए वो मम्मी दौड़ गया आई बोल रहे दिफा जी बहुत धन्यवाद हले लोया हो इसलिए भाइयों बहनों हम एक बार अपनी जिंदगी की ओर देख लीजिए हम कहां पे हम कहा पे हैं हम, हम, हम कौन हैं आज हमारा हालत क्या है दुनिया में शायद ये सब लोग बेचते रहता है कुछ दिन पहले यहाँ पे लॉकडाउन रहा या किसी कारण में एक दिन का बंद रहा हम मैं जब बाज़ार में गया देखा बाजार में बंद रहने से भी पेट्रोल पंप तो खुला रहेगा ज़्यादातर खुला रहता है और दूसरा एक चीज है मेडिकल स्टोर मेडिकल स्टोर दवाई के लिए खुला रहता है मैं और एक दुकान देखा वो भी खुला है वो दारू दुकान है नशा का दुकान मैं सोचा कितना जरूरी है क्या ये दवाई है बंद के दिन में बाकी सारा दुकान है राशन दुकान बंद है दवाई का दुकान और दारू का दुकान दोनों खुला था हलिया तो हम देख लीजिए जहां है हमारा दिमाग हमारा जिंदगी हमारा समाज क्या सिखाता है ये नशा में कितने लोगों का जिंदगी खत्म होते जा रहे हैं फिर भी उसको प्रमोट करते जाते प्रमोट करते जा रहे हैं कितने परिवार में दुख है कितने लोग अपने जिंदगी को अपने अपने जीवन को समय से पहले खत्म कर डाला है इसलिए आज हम समर्पित करें बाइबल में लिखा है पूर्वजों से चली आई निरर्धक जीवन से सोना चांदी जैसे नश्वर चीजों की कीमत पर नहीं बल्कि एक नष्कड़ंग मेंसु मसीह के रक्त के कीमत पर हम सब खरीदे हुए हैं पूर्वजों से चलते आ रही ये बुरे आदत ये नशा का एक कल्चर हमारे जो है पूर्वजों से चलते आ रहे हैं ये मसीह आपने रक्त के कीमत पर हमको ख़रीदा है उसका हाथ में हम अपने को समर्पित करें और प्रार्थना करें प्रभु ये नशा का बंधन हमारे समाज से हमारे कल्चर से और हमारे लोगों के जीवन से सदा के लिए आप दूर कर दीजिए ताकि हमारे जिंदगी पर शांति आ जाए परिवार में शांति आ जाए हम माँ मरेंगे विशेष मध्यस्थता लेते हुए प्रार्थना करेंगे प्रणाम मरियम कृपा पूर्ण प्रभु, प्रभु तेरे साथ है धन्य दूसरियों में और धन्य तेरे, तेरे गर्भ का फल ये सो हे संत मरिया परमेश्वर की माँ प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमेन हम सब खड़े हो जाएंगे और फिर से एक बार ईश्वर के हाथ में उन सभी लोगों को समर्पित करें जो नशे के शिकार बनकर रहते हैं याद कीजिए भाइयों बहनों आपके परिवार में कोई इस तरह का हो हमारे बीच में कोई नशा के ग़ुलाम बन कर रह रहे हो इस समय समर्पित करें प्रभु से कृपा मांग ले प्रभु इस बुराई को जड से दूर करने के लिए हमें कृपा दीजिए शायद हम कोशिश भी किए होंगे लेकिन आपको आपसे नहीं सक रहा है इस समय समर्पित कीजिए उन सभी व्यक्तियों को समर्पित कीजिए जो आपके परिवार के लिए दुख का कारण बन गए रह रहे हैं प्रभु उन सबों को मुक्ति दिलाए नया जीवन प्रदान करें, जड़ से निकालने वाले ईश्वर सब कुछ जला के नष्ट करने वाले ईश्वर यह नशा के आदत को हमारे जदये से दूर कर दे प्रार्थना करते हैं प्रणाम मरियाम, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है धन्य दूसत्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फलिये सो हे संत मरिया परमेश्वर की माँ प्रार्थना, प्रार्थना कर हम भाभीों के लिए अब और भादे हमारे भादे मरने के, के समय अमेन क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर अमेन जय शोम